मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? Can you hear me? Please comment. अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे शुरू करूंगी? ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुश्री समिष्ठा महापत्र है। मैं द्वितीय कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं भुवनेश्वर ओडिशा की एक छोटी सी नृत्यांगना हूँ। मेरी गुरु का नाम जत्रीमय सपकार है। मैं नृत्य कला डांस अकेडमी में 4 साल से नृत्य सीख रही हूँ और मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर चुकी हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ उत्कड़ी का फेसबुक पेज को, जिसने मुझे इस सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। धन्यवाद। और मैं आज आप लोगों के सामने 3 नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रस्तुति है गणेश वंदना, जो भगवान श्री गणेश के ऊपर आधारित है। तो आइए मेरी ये पहली प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठाते हैं। Da 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 da
अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब मेरा दूसरी प्रस्तुति है नाचती रंगे श्री हरि। सभी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, परंतु सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट हुए हैं, क्योंकि ना सभी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य नहीं कर रहे हैं, केवल राधा जी से ही नृत्य कर रहे हैं। तो इससे आधारित है नाचती रंगे श्री हरि। तो आइए मेरी दूसरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठाते हैं। Yeah.
Yeah.
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये पहली प्रस्तुति और दूसरी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। आप बने रहिए, मैं तीसरी प्रस्तुति के साथ अभी आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है और इतने लोग मुझे कमेंट्स किए, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है। अब मेरी तीसरी और आखिरी प्रस्तुति है जमुना को अब जाना। जब राधा जी जमुना को पानी लेने जाते हैं तब सभी गोपियां उन्हें रोकते हैं क्योंकि ना जमुना के किनारे में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि ना आप लोगों को तो पता है ना भगवान श्री कृष्ण कितना नटखट है, माखन चुराते हैं, कितना नटखट काम करते हैं। इसलिए सभी गोपियां राधा जी को मना कर रहे हैं, जमुना को मत जाओ। तो इससे आधारित है जमुना को अब जाना। तो आइए मेरी ये तीसरी और आखिरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठाते हैं। Oh,
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये तीनों प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरा सभी प्रस्तुति खत्म हो चुकी है। अगर कोई मुझसे गलती हो तो मैं सभी गुरुजन को क्षमा मांगती हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो तो मुझे कमेंट्स पर लिख लीजिए। मैं अपने गुरु को बोलकर जरूर सुधारूंगी और मेरी ये लाइव परफॉर्मेंस को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ।